वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। मैं हूँ नीति और आज हम जानने वाले हैं हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हार्मफुल होती हैं। सबसे पहले अगर देखते हैं तो वो है स्पॉइलेज ऑफ फूड। हमारे जो फूड हैं जैसे कि ब्रेड हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट हो गए, उनमें यहाँ पे स्पॉइलेज दिखाई पड़ती है, वो सड़ने लगती हैं, वो उनमें रॉटन दिखाई पड़ती है और धीरे धीरे ये जो हमारे फूड हैं वो खाने के लायक नहीं रह जाते हैं और ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। वैसे तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी इसके कारण होते हैं बट हम यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसमें जो स्पॉइलेज है फूड का वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। सेकेंड यहाँ पे होगा हमारा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही कॉमन है, लोगों में दिखाई पड़ता है कि कई बार उनको डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है। और एक कॉमन फूड पॉइजनिंग है बॉटुलिज्म, वो भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर हम कोई ऐसा खाना खा जाएं जिसमें ये हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट हो तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाके यहाँ पे फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ डोमेस्टिक आर्टिकल। बैक्टीरिया की वजह से हमारे घर में जो चीज़ें हैं जैसे कि टेक्सटाइल हो गए, वुडन या लकड़ी के आर्टिकल्स हो गए, कैनवास हो गई, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से ये भी जो एक्टिविटी है हार्मफुल है, जो कि हमारे घरों की जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कर सकती हैं, तो ये हो जाती हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चलिए देखते हैं कॉमेंट्स ऑफ द डे। दोस्तों आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर कुछ सुझाव भी है तो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है, दवाई है, जिसका यूज़ हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए जाते हैं उनके ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है। और इस पेनिसिलिन को हमारे जो बैक्टीरिया हैं जैसे कि अगर देखेंगे बैसिलस ब्रेविस एक बैक्टीरिया है वो इस पेनिसिलिन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है, जिससे कि हम उस पेनिसिलिन को अब यूज़ नहीं कर सकते। तो बैक्टीरिया जो हैं वो इतने हार्मफुल होते हैं कि हमारी जो दवाइयाँ हैं एंटीबायोटिक है जैसे कि पेनिसिलिन उसको भी यहाँ ख़राब कर सकते हैं। पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था जो कि साइंटिस्ट फ्लेमिंग के द्वारा यहाँ पे डिस्कवर्ड किया गया था। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो वो होगा रिडक्शन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन के बारे में। जो पृथ्वी में नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में पाया जाता है उसका यूज़ हमारे पौधे नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ये जो नाइट्रोजन है वो दो जगहों से मिलता है। पहला तो ये है कि रेन के द्वारा ये जो नाइट्रोजन होते हैं गैसीय नाइट्रोजन वो नाइट्राइट में चेंज हो जाते हैं और पौधों को ये जो नाइट्राइट है वो मिल जाता है। सेकेंड क्या है, कुछ पौधे जो हैं वो इस नाइट्राइट का यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए उनकी जड़ों में खास प्रकार की जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को यहाँ पे नाइट्राइड में बदल देते हैं और अब ये पौधे इस नाइट्राइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे मूंगफली या फिर ग्राउंड नट है उसकी जो जड़ें हैं उसमें यहाँ पे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि यहाँ पे अच्छा वाला बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो गैसीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइड्स में बदल देता है। अब ये ग्राउंड नट के पौधे इस नाइट्राइड्स का यूज कर सकते हैं और न्यूट्रिशन के तौर पे इसे ले सकते हैं। बट कुछ जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, इस नाइट्राइड्स को जो कि भूमि में पाया जा रहा है उसको फिर से गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं, जिसकी वजह से भूमि की जो उर्वरता है या फिर कहें उनकी जो फर्टिलिटी क्षमता है वो कम हो जाती है और हमारे जो फसल हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से जो नाइट्रोजन पौधों को मिलना चाहिए वो इन हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं तो वो होगा डिसीज़ कॉज करना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो कि पैथोजन होते हैं, हानिकारक होते हैं, तो उनसे ये रिलेट किया जाता है कि ये डिसीज़ कॉज करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्मफुल एक्टिविटी में डिसीज़ कॉज करना, बैक्टीरिया की वजह से इंसानों और जानवरों
प्लांट में भी बहुत सारे डिसीज़ देखने को मिलते हैं। अगर इंसानों की बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा न्यूमोनिया, एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमोनिया हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाएगा, मेनिनजाइटिस हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, और अगर देखते हैं तो टिटनेस भी हो सकता है, कोलेरा भी हो सकता है, बॉटुलिज्म भी हो सकता है। यहाँ पर बॉटुलिज्म हमने शुरुआत में बात की थी जो कि एक फूड पॉइजनिंग डिसीज़ है। आज का जो हमारा वीडियो था वो इतना ही हमने कवर कर लिया है। एक्टिविटी हार्मफुल जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आज का इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्राइट बनाता है पौधों के लिए गैसीय नाइट्रोजन से, वो पौधों के किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन होंगे जड़ों में या रूट में, दूसरा है पत्तियों में, तीसरा है तने में और चौथा है फूल में। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूरी दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।